बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बेटे उर्दू की बुक खोलें। हम पढ़ रहे थे हमद, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने इसको लिखा है। हमने पहले उनका तारुफ पढ़ा और उनके दो अशआर की तशरीह की। आज हम नेक्स्ट जो है उसकी करेंगे, तीसरे शेर की। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ वेद खुला तेरा। महरम क्या है? जानने वाला। और ना महरम क्या है? ना जानने वाला। यानी उन्होंने क्या कहा है, अल्लाह को जानने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि ना जानने वाला, जिस पे यहाँ तेरा भेद खुला है वो भी कुछ बयान करने से कासिर है। यानी वो तेरी बारे में कुछ नहीं लिख सकता, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तू बहुत अजमत वाला है। अगरचे इंसान खुली आँखों से कायनात का मुशाहिदा कर रहा है, मगर इसकी हकीकत और असरियत को पा लेना हर किसी के नसीब में नहीं। इसकी कुदरत के शाहकार नमूने सूरज चांद और सितारों को देख रहा है, फिर भी अंधेरों में है। लैलो नहार की गर्दिश इंसान की समझ से बालातार है। लैलो नहार यानी दिन और रात की गर्दिश जो है वह इंसान की समझ से बालातार है, कि तुम दिन को रात में, रात को दिन में तब्दील करता है। जब तक कि अल्लाह खुद बसीरत की आँख अता करे, जब तक अल्लाह ताला खुद समझ ना अता करे, तब तक इंसान की समझ यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इसके लिए पूरा जहाँ तारीख ही तारीख रहेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, देखने वाला दिल। यानी कि क्या है, दिल बीना, दिल देखने वाला, दिल बीना भी कर खुदा से तलब। आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इंसान को दिल का नूर तभी नसीब होता है जब वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खालिक व मालिक के हवाले कर दे। जब इंसान अल्लाह ताला की मुसलसल इबादत और रियाजत का मुजाहदे करता है, तो एक मुकाम ऐसा आता है कि उसको अल्लाह ताला की किसी कदर मार्फत हासिल हो जाती है, लेकिन वह इस कैफियत को बयान करने से कासिर होता है। इसीलिए हाली दावा कर रहे हैं कि जिस पर अल्लाह ताला की हकीकत ज़ाहिर हो जाती है, वो भी इसकी शान, किब्रियाई और अजमत बयान करने से कासिर रहता है, क्योंकि इबादत और रियाजत से कुर्बे इलाही तो नसीब हो जाता है, लेकिन इस कायनात के खालिक व मालिक को मुकम्मल तौर पर समझना और इसके बस की यानी समझना जो है उसके बस की बात नहीं है। बकौल अकबर आलाबादी, अकल में जो गिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा कर क्यों, वो फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। इसलिए हाली कहते हैं कि जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात के राज जाहिर हुए हो जाते हैं, वो भी इसकी ज़ात के बारे में बता ना सकने की वजह से ना जानने वालों के मुतरादिफ होता है। गोया महरम और ना महरम दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, अगला शेयर करते हैं हम। जचता नहीं नज़रों में या खिलत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। ये शेर इसमें है, जचता नहीं यानी अच्छा नहीं लगता। पहले हम अल्फाज मायने कर रहे हैं, जो मैं आपको लफ्ज़ बता रही हूँ या अंडरलाइन करके लफ्ज़ ऊपर लिखें। जचता नहीं यानी सजता नहीं, अच्छा नहीं लगता नज़रों में या खिलत सुल्तानी, लबास बादशाही लबास, कमली चादर में मगन मसरूफ़ अपने रहता है गदा तेरा। यानी फ़कीर, गदा क्या है? फ़कीर यानी दरवेश अपने फटे पुराने लिबास में भी खुश और मुतमिन रहता है। इसकी नज़र में बादशाही लिबास की कोई वक़्त और हैसियत नहीं होती। इस शेर में अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि जिस शख्स को इस दुनिया में अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए और दीगर किसी कुव्वत और ताकत का मोहताज नहीं रहता, वो ना ही किसी बादशाही की, बादशाह की शान शौकत की इसकी नज़रों में अहमियत होती है, और ना ही दुनियावी मालो दौलत की। बादशाहों की निगाह में उनकी बादशाहत बज़ाहिर बड़ी पुरकशिश होती है, लेकिन दिली इत्मीनान और हकीकी सुकून की नेमत से महरूम होते हैं। इनके मुकाबले में एक दरवेश जिसे अल्लाह ताला ने कनात सब्र और शुक्र जैसी दौलत से नवाजा है, रातों को मीठी नींद सोता है और हिरस व लालच से किनारा कश होकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। बकौल अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है इस बारे में, कहाँ से तूने ए इकबाल सीखी यह दरवेशी, के चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। इसमें भी उन्होंने यही अल्लामा इकबाल ने भी इसी मौजू के बारे में कहा है कि तेरी बेनियाजी की नहीं समझ आ रही कि इकबाल तुमने ये दरवेशी कहाँ से सीखी है कि तेरी बादशाही जो है तेरी बेनियाजी में नज़र आती है। दरअसल जब इंसान अपने मुकाम को पहचान ले, उसे अपने रब की पहचान नसीब हो जाए और इस बात का यकीन हो जाए कि कायनात का मालिक रब्बुल आलमीन है जो सारे जहान की हिफाजत और परविश करता है, फिर दुनिया के किसी शख्स या बादशाह का ज़ाहरी वक़ार उसकी नज़रों में कोई वक़्त नहीं रखता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे
दिल का गिना अता फरमा देते हैं। इसके पास बज़ाहिर माल व दौलत कलील ही क्यों ना हो, यानी कम ही क्यों ना हो, लेकिन इसका दिल कनात से भरपूर और पुरसकून होता है। दिल का जो सुकून अल्लाह से मोहब्बत करने वाले फ़कीरों को नसीब होता है। इन बादशाहों के नसीब में कहाँ बकौल शायर, इनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बसा रहा जिनका जलाल तेरा, जिनकी जलाल तेरा। ठीक है बेटे, आज हमने ये इन दो अशार की तशरीह की है और इनके अल्फाज मायने याद किया, मफहूम देखा है। आपने इसी तरह इनके मफहूम को समझना है और फिर आगे इसकी तशरीह करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।